आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चर्चा की। सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर विभागीय मंत्रियों से पूछा कि मंत्री अपने विभाग में क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, जिससे कि उनके विभाग प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प पूरा कर सके। सीएम से चर्चा के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समावेशी शहरी विकास, पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना, नगरीय सुशासन के लिए कानूनी और राजकोषीय सुधार, शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार करना विभाग का लक्ष्य है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री विजय शाह समेत कई मंत्रियों ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अपने विभाग के रोडमैप की जानकारी दी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। सुबह से ही बैठक चल रही है और माननीय मंत्रीगण अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं। प्रमुख रूप से हम देखें तो कोरोना काल के समय में देश में अगर सबसे अच्छा काम हुआ है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है कि कोरोना जैसे संकट के समय आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, एक विशेष पैकेज उस संकट की घड़ी में जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम किया है और एक महत्वपूर्ण काम किया है। मध्य प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए और सारे मंत्रियों की यहाँ न सिर्फ अनौपचारिक बैठक बुलाई बल्कि आने वाले समय में हमारे विभाग का रोडमैप क्या होगा, मध्य प्रदेश के विकास के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर हमें बुलाया गया। वन विभाग की ओर से जो मेरा दायित्व था माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जहाँ हमने लोगों को रोजगार के लिए नए संसाधन ढूंढने का प्रयास किया, वहीं भारत पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की वो मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत में प्रथम है जहां हम लोगों ने काम शुरू किया। हमारे विभाग में ही बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हमने की है, खास करके अभी तक राजस्व विभाग में जो सीमांकन होता था, सीमांकन में एक समय फिक्स था कि वो गर्मी के दिन में ही होगा या फसल खड़ी हो तब नहीं होगा, पर अब कोर्स पद्धति हम लोग जो लाए हैं इस कोर्स पद्धति से सीमांकन 12 महीने हो सकता है, बरसात में भी होगा, खड़ी फसल में भी होगा और नेट टू नेट होगा। ये पद्धति की शुरुआत हम लोगों ने की है और उसी के तहत आज हमारी ये मीटिंग यहाँ पर हुई है जिसमें अपने अपने डिपार्टमेंट से सब लोगों ने अपनी बात रखी है। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट खनिज विभाग से और श्रम मंत्रालय की बातें हमने रखी हैं कि आज मेरा डिपार्टमेंट भी जो भी हमारी 31 मिनरल्स पॉलिसी अभी नई आ रही है उसमें 75% रोजगार हम लोकल के लोगों को दे रहे हैं और उसमें हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट ये है कि कोरोना जैसे काल में आज हमारा डिपार्टमेंट हमारा टारगेट अचीव कर रहा है और भविष्य में भी हम बहुत जल्दी और भी हम नई खदानें ला रहे हैं जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। श्रम मंत्रालय में भी जो हमारे प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, रोजगार सेतु जो बना था उसमें करीब हमारे 43,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं जिनको काम मिला है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं और उसी को लेकर हम लोग इस विभाग में आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के करीब 3 लाख ग्रुप बनाए हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में इसकी संख्या को 1 करोड़ तक ले जाए। जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा और इसी को लेकर हमने कुछ योजनाएँ बनाई हैं जो बहुत ही कॉन्क्रीट रूप से काम प्रारंभ करने जा रही है। इसमें एक साथी बाजार की परिकल्पना है जिसको कि नाफेड के माध्यम से हम संचालित करेंगे और इसमें अकेला पंचायत ग्रामीण विकास ही नहीं बल्कि 5 और विभागों का कन्वर्जेंस मिलाकर इस योजना को हम फलीभूत करेंगे। उस मध्य प्रदेश में लागू किया तो मेरे पास में जो आयुष विभाग है
उस आयुष विभाग के माध्यम से हम सब ने ये तय किया कि हमारे प्रदेश में कैसे रोज़गार उपलब्ध हो सके। उस रोज़गार उपलब्धता के लिए हम सब ने माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना जिसके लिए हम रोज़गार उपलब्ध करा सके। हमारे पास में हमारे इस मध्य प्रदेश में हमारा वनों से घिरा हुआ हमारा जंगल है, उस जंगल में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उस जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम औषधि निर्माण कर सकते हैं। और इस कोरोना महामारी में हम सब ने देखा है कि इस कोरोना महामारी में यदि हमने कोरोना को रोकने का काम किया तो हमारे पुरानी पीढ़ी आयुष विभाग की हमारी पुरानी पीढ़ी के माध्यम से हम चकटू चूर्ण इस मध्य प्रदेश में दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।